हेलो फ्रेंड, जीएसएम हेल्पफुल चैनल में आपका स्वागत है। एमआई में एफआरपी का जो प्रॉब्लम आता है, यूट्यूब अपडेट का प्रॉब्लम आता है, ये दूसरा सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या आता है। पहले तो वाईफाई के साथ फ़ोन को कनेक्ट कर देना है, ऐड नेटवर्क में जाना है और www.youtube.com लिखना है, डबल क्लिक करना है, सिलेक्ट और करना है, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट का प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो पहले तो क्या करना है, फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना है, वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन दोनों साथ में दबाना है। एमआई लोगो आता है, पावर बटन छोड़ देना है, वॉल्यूम अप बटन दबाए रखना है। तो मेन मेनू आ जाएगा, आपको वाइप डेटा ऑल सिलेक्ट करना है, पावर बटन दबाना है, वापस पावर बटन और कंफर्म पे क्लिक करना है, वॉल्यूम डाउन बटन दबा के फिर पावर बटन दबाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा फॉर्मेट हो रहा है, फ़ोन डेटा वाइप सक्सेसफुली हो गया है, फ़ोन को रिबूट कर देना है। फ़ोन फॉर्मेट होने के बाद आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, 10 से 15 मिनट तक आपको वेट करना पड़ेगा, जब तक नॉर्मल चालू नहीं हो जाता। तो यहाँ पे फ़ोन चालू हो गया है, मैंने वीडियो कट किया है इसलिए फास्ट चालू हो गया है। तो यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह सब आपको सिलेक्ट कर देना है। वाईफाई के साथ फोन को कनेक्ट कर देना है। नीचे ऐड नेटवर्क पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है www.youtube.com और सिलेक्ट ऑल कर देना है। हाइपरलिंक पे क्लिक करना है, यहाँ पे YouTube जो अपडेट का प्रॉब्लम आता है वो नहीं आएगा। अब आपको यहाँ पे ब्राउज़र सिलेक्ट करना है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। यहाँ पे एक लिंक टाइप करना है, वीडियो स्क्रीन में आपको मिल जाएगी, देख के टाइप करके ओपन कर सकते हैं। GSM हेल्पफुल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, उसके बाद आपको सेटिंग्स ऐप डाउनलोड करना है। सेटिंग ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद उसको इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पे सेटिंग में जाके अननो सोर्स एनेबल करना है और सेटिंग ऐप इंस्टॉल कर देना है। स्कैनिंग हो रहा है, थोड़ा वेट करें। ओपन पे क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं MIUI 11 है इसमें। अबाउट में जाना है और MIUI पे आपको 7 टाइम टैप करना है, डेवलपर ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। बैक जाना है, एडिशनल सेटिंग में जाना है, डेवलपर ऑप्शन सिलेक्ट करना है और OEM अनलॉक एनेबल करना है, फ़ोन को रिबूट कर देना है।
फोन चालू हो गया है, अब आपको सेटअप कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्किप ऑप्शन शो हो रहा है, तो वहाँ पे आपको क्लिक करके स्किप पे क्लिक करना है। जस्ट आपको फिर नॉर्मल चालू कर देना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना है, एक्सेप्ट करते रहना है, स्किप आए तो स्किप पे क्लिक करना है। तो ऐसे ही ट्विटर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल GSM Hepford को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।